हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है यार। आज का जो व्लॉग है ना, वो हमने आज शाम को ही शुरू किया, क्योंकि आज सारा दिन रोज़े में जो है ना हम सोए रहे हैं, और सारा दिन हमें याद नहीं रहा। हमारे बिलाल साहब आए हुए हैं। बिलाल साहब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक यार। बिलाल को रोज़ व्लॉग में लाया करो, ठीक है। उमर खुद भी आ जाए करो यार। जो व्लॉग में तुम जिस व्लॉग में थे ना, वो हमारा व्लॉग जो है ना, वो हमारा हिट गया है। ये हमारे जनाब टाइसन साहब, आज की जो इफ्तारी है ना, वो हम करेंगे सिटी जा के ना, ठीक है। आज भी हमने दिल यही था कि पहले ना एक और जगह करनी है, लेकिन फिर हम एक और जगह इनवाइटेड हो गई हैं, लेकिन इस वजह से उधर जाएंगे। किधर है जूपी हमारी? कलर के लिए बुलाओ ना उसे। ये जी, ये ज़रा उम्र, इसमें तुम्हारे साथ ही करतब करने हैं। नहीं नहीं यार, कपड़े खराब करते हैं। ये बिलाल के साथ जाती है। बिलाल, अच्छा जी, बिलाल के साथ भी जो है ना। ओ यार सुल्तान, ये लो यार, सुल्तान को ज़रा करें यार, सुल्तान से काफ़ी दिन हो गए। हाँ, सुल्तान को ज़रा जनाब, उम्र पहले अग्रेसिव करता है, ठीक है। इस तरह कैमरा ही करना है। सही है, कोई नहीं। आज सुल्तान ने ना, सुल्तान यार आज जो है ना, बड़ा वैसे अच्छे मूड में खड़ा हुआ है। नहीं जनाब, उमर जो है ना, सुल्तान को ज़रा कह रहा है। आज जनाब सुल्तान आया ना, तो आज सुल्तान ने उधर ही तुम्हें, हाँ आराम से बिलाल, आराम से। यार सुल्तान तो हमारे साथ जो है ना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। और ओए अख्तर, उमर आओ पीछे वाली साइड पे। कर रहे कर रहे, कैसे छेड़ते? टांग मारेगा अब। नहीं नहीं, चलो मैं पकड़ के, तुम ये लो, चलो टांग पीछे से पकड़ के रखो, आगे से पकड़ ली। चल यार, क्या चल छेड़, चलो छोड़ो ना, अब इधर ही आएगा मेरे तरफ। सुल्तान शाबाश, इधर आ, इधर आ सुल्तान। ओए होए होए होए, सुल्तान भी रोज कहता है ये बंदा बैठे मेरे पे, ठीक है। ओए मैं बदला रहा हूं आज, दो तो पैसे ही हुआ, बैठ के उतर गया ये। चलो फिर चलो। फिर मुझे नहीं ऐसे करता, उसे पता, वो तुम ही कर। नहीं नहीं, वैसे बस एक शॉट बनाना। हाँ जी, तो अभी जनाब अफ्तारी में रह गए 10 से 15 मिनट, और आज हमारी जो अफ्तारी है वो है सरगोधा पैलेस में। भाई आज हम जा रहे हैं सरगोधा पैलेस में, अपने हसन वड़ाइच के फाइनल गेम पहुंचने की खुशी में जो है ना। कल हमारा टूर्नामेंट वाइंड अप हुआ है, तो आज फिर हम तीनों ने कहा यार चलो जो है ना, आज इफ्तार बाहर करते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल रिलैक्सेशन मूड है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जाके भी चिल ही करना है, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट का जितना भी काम था सारा हम वाइंड अप कर चुके हैं, जो भी चीज़ें थी या जो भी मामलात थे, और इस टाइम बिल्कुल ओके चिल मोल में है जनाब। इसी टाइम शहजाद साहब को तो सोए हुए उठाया इफ्तारी के लिए, तो हमने कहा रोज़े भी थोड़े रह गए हैं, तो चलो आज जो है ना इफ्तारी करने इधर सरगोधा पैलेस जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह 10-15 मिनट रह गए हैं पहुँचने में, फिर पहुँच के आपको बताते हैं सरगोधा पैलेस के क्या रिव्यू है, या उनका खाना कैसा है, उनका इफ्तार डिनर कैसा है। अच्छा जी, भी आई थी तो कर लड़ा। ओ नहीं, वो भाईजान डेस्टिनो से करना था, लेकिन आपने उस टाइम उठे नहीं है, इस वजह से हमने कहा था अगर तुम भी नहीं हो, मैं और हसन है, तो स्पेशल हमने शहर क्या लेने जाना है जो सबसे हमें नज़दीक पड़ती है ना। वो वैसे इनका भी यार अच्छा है सुना जो है ना, देखो ना वो सारा रश हमारे लिए, ये देखो ये सारा जितना भी रश है ना। सर्विस पे भाई वजह नहीं, इनका कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा जी, भी आई थी तो कर लड़ा। ओ नहीं, वो भाईजान डेस्टिनो से करना था, लेकिन आपने उस टाइम उठे नहीं है, इस वजह से हमने कहा था अगर तुम भी नहीं हो, मैं और हसन है, तो स्पेशल हमने शहर क्या लेने जाना है जो सबसे हमें नज़दीक पड़ती है ना। वो वैसे इनका भी यार अच्छा है सुना जो है ना, देखो ना वो सारा
सारा रश हमारे लिए, ये देखो ये सारा जितना भी रश है ना। सर्विस पे भाई वजह नहीं, इनका कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये जो है ना इनका जनाब जो है ना अफ्तारी मेन्यू जो है, क्या कह रहे हो? वैसे जी हमारे हसन साहब को ना इनका ज़रा बड़ा पसंद आया, वो कह रहे थे इनका अरेंजमेंट जो है ना वो ज़रा अच्छा। हम तीन बंदे ही हैं, मैं शहजाद साहब और हसन साहब। पहले जो है ना मुश्किल का बुफे ट्राई करेंगे। हाँ जी, अफ्तारी में जनाब हमने ये सैंडविच खाए हैं, रोल खाए हैं, समोसे खाए हैं, चाट है। उसके बाद बाकी इनका ये जो मेन्यू दूसरा है ना वो अभी आपको दिखाते हैं, वो सारा इनकी अफ्तारी में था सरगोधा पैलेस में ना। ये चीज़ें यार, ये चीज़ें सारी बहुत अच्छी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरी चीजें क्या। हसन साहब क्या रिव्यू है इनके बारे में, अफ्तारी ठीक थी? हाँ जी, अफ्तारी हम कर चुके हैं तो इसके बाद खाना खाएंगे। पहले हम नमाज पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है? नमाज के बाद है अगला सीन क्या है। बाकी यार आपको बताते हैं कि इनकी क्या क्या डिशेज हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं ये इनकी स्वीट्स हैं, लाइव चल रही हैं। इनका बीफ कौरमा, ये जनाब इनकी स्वीट्स आ गई साइड पर, ये इनका रशियन सैलड वगैरह और ये चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। बाकी तो आपको दिखाते हैं इसमें। हाँ जी, तो जनाब वैसे तो इतनी ज़्यादा आइटम्स से हमें चॉइस करना ज़रा मुश्किल हो गया था, लेकिन हमने बस ये तीन चार चीज़ें उठाई हैं। इसमें मलाई बूटी और कबाब, मीट हांडी, हाँ जी। तो हमारी जो अफ्तारी है वो तो हो गई है डन, और अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापस, क्योंकि इनकी अफ्तार डिनर वाकई ही इनका बहुत अच्छा था। और इनका जो भी कार्ड थे वो आपको बताते हैं कि क्या सीन था। तो बाकी व्लॉग जो एंड है वो हम घर जाके इंशाल्लाह करेंगे। बाकी आपने सारा देख लिया, ये इनका हाल था। और अल्हम्दुलिल्लाह यार अफ्तारी हमारी आज तक जो है ना बहुत अच्छी हुई है। बाकी आपको इनकी दोबारा आइटम दिखा देते हैं। इनमें कबाब थे, मलाई बोटी थी, कीमा है, स्पेशल दाल है, राइस, और उसके बाद चिकन बाल्टी भी इसमें जनाब ये भी था। मतलब यार काफ़ी चीज़ें थी जो हमसे खाई भी नहीं गई। सही पूछें जो है ना हमने सही तरह खाया भी नहीं है। रोज़ा था, रोज़े में इतना खाया नहीं जाता। स्वीट्स में यह चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ें तो हमने ट्राई नहीं की ऐसा ना, है ना? ये भी नहीं की। अब ये सारी चीज़ें हमने ट्राई ही नहीं की।